रसगुल्ला। रसगुल्ला किसे नहीं पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है ये सभी को। और ये वेस्ट बंगाल की बहुत ही ख़ास रेसिपी है, तो इसी को आज मैं बनाई हूँ और यही मैं वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ, इसी के बनाने की विधि। तो कैसे मैं बनाती हूँ और किस ट्रिप एंड ट्रिक्स में बनाती हूँ कि रसगुल्ला मतलब बहुत ही अच्छी बनती है, तो जिस तरह से मैं बनाती हूँ आप उस प्रकार बनाएंगे तो पहले बार में ही आपकी रसगुल्ला बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है गाय का दूध 1 लीटर लिया है मैंने, काउ मिल्क, और उसको मैं गैस पर चढ़ा दी हूँ उबलने के लिए। तब तक से इधर मैं तैयार कर रही हूँ सिरका और पानी से इसका, जिससे मैं मतलब दूध फाड़ूँगी। तो इसके लिए मैंने लिया है वाइट विनीगर, तो ये 2 ढक्कन मैंने डाला है, 2 चम्मच डालिए, और जितना आपने विनीगर लिया उतना ही पानी आपको उसमें डालना है। तो 2 चम्मच मैंने विनीगर लिया, 2 चम्मच पानी डाला है। आप चाहे तो नींबू से भी फाड़ सकते थे दूध को, बट मैं विनीगर से ही फाड़ रही हूँ। तो ये दूध उधर उबल गया है तो उसमें मैं डाल रही हूँ ये विनीगर। तो इस तरह से आप 1-1 चम्मच करके डालें और इस तरह से धीरे धीरे चलाते रहें। एक बार में पूरा मतलब ये जो है विनीगर नहीं डालिए, क्योंकि जितना हमें यूज मतलब जितना ज़रूरत हुई उतना ही यूज करेंगे। तो इस तरह से हम डालेंगे और चलाते रहेंगे चम्मच से। तो ये देखिए इस तरह से फटना शुरू हो गया है। तो जब ये दूध इस तरह से फट जाए ना, तो अब हम इसको यूज नहीं करेंगे। ये इतना बच गया है तो हम इसको छोड़ देंगे, रख देंगे, और इतना से ही मतलब दूध फट गया। ज़्यादा डालेंगे तो हमारी जो है छेना जो है बहुत ही सख्त हो जाएगी। तो हम गैस बंद कर देंगे और हम इस छेने को छान लेंगे। तो इसके लिए मैंने छन्नी रखा है और इसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया है, कोई भी आप सूती या मलमल का कपड़ा लीजिए, उस पर आप डाल करके इसको छान लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये इस तरह से इसको अब छान लेंगे हम। और अब हम इसके अंदर ऊपर से थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, ताकि इसमें जो भी इसका विनीगर का जो है स्मेल वगैरह सब चला जाए और जो है और सॉफ्ट हो जाएगी ये छेना जो है। इसको हम दबा लेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे, हल्के हाथों से इसको दबाएंगे। अभी तो काफ़ी गर्म भी है और इसे हम इस तरह से दबा करके इसको रख देंगे। तो ये जो पानी बच गया है ना, इस पानी का आप फेंके नहीं, आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप अगर सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें आप ग्रेवी में यूज कर सकते हैं, अगर आप आटा गूँथ रही हैं तो आटा लगा सकती हैं उस पानी से, तो बहुत ही रोटियां सॉफ्ट बनती है। तो ये जो है अब इस तरह से मैं रख दी थी इसको, अब इसमें का दबा करके पानी सारा निकाल लिया है। और इसका ये देखिए छेना, ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको इसमें निकाल लेंगे और इस तरह से हम हाथों से इसको तोड़ लेंगे और इस हाथ से इसको इस तरह से मसल लेंगे। तो इसको इस तरह से जितना मतलब अच्छे से हम मसल करके तैयार करेंगे ना, उतनी ही अच्छी सॉफ्ट हमारी रसगुल्ला बनेगी। तो इस तरह से हम इसको मतलब कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाता है इसको इस तरह से मसलने में। तो आप इसको धीरे धीरे इस तरह से मतलब रुक रुक करके थोड़ा मसले, फिर रुके, फिर मसले, इस तरह से 4 से 5 मिनट लग जाएंगे आपको मसलने में। तो इस तरह से ये सॉफ्ट एकदम तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर हम अरारोट पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, या कॉर्नफ्लोर भी 1 चम्मच ले सकते हैं, या आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। तो 1 चम्मच ही इसमें काफ़ी है, मतलब 1 लीटर दूध के लिए जितना छेना निकलता है उसमें 1 चम्मच ही हम अरारोट पाउडर यूज करेंगे। और अब हम इन सबको फिर से मसल लेंगे अच्छे से और इनकी लोइयाँ हम काट लेंगे। और अब हम इसको हल्के हाथों से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्के हाथों से इसकी जो है गोल गोल हम बॉल तैयार कर लेंगे। तो 1 लीटर में कम आप अगर बाजार के जो साइज़ आती है ना रसगुल्ला, उस साइज़ के अगर बनाएंगे तो 14 से 15 रसगुल्ले बन जाते हैं, और अगर बड़ा बनाएंगे तो 10 से 11 बनेगा। तो अब हम चलिए इधर चाशनी के लिए तैयारी करते हैं। तो इसमें हम डाल दिए 1.5 कप मैंने इसमें चीनी डाला है, तो इसमें हम 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। तो मैं इसमें ना 5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने पानी इसमें डाला है,
इसकी कोई तार की चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस इसको हम चीनी को मेल्ट होने तक, इसमें मतलब उबाल आने तक इसको हम चलाएंगे इस तरह से। और ये हमारा जो है चाशनी में उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक एक करके, एक मैं छोटा सा बनाई थी उसको मैं देख रही हूँ, ये देखिए डालने के साथ ही ये ऊपर आ जा रहा है, यानी हमारा बहुत ही अच्छा से सॉफ्ट जो है छेना का जो बॉल तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम इसको डाल करके एक चेक कर लेंगे पहले, और अब हम इसको डालेंगे एक एक करके डालेंगे, ताकि ये जो है ना हमारा जो चाशनी है इसका जो टेम्परेचर डाउन ना हो। तो ये पहला ट्रिक है। तो आप जब भी मतलब बना रहे हैं रसगुल्ला, तो आप एक साथ जो बॉल सारे हैं वो मत डाल दीजिए इसमें। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो क्या होगा, चाशनी का टेम्परेचर एकदम से कम हो जाएगा और हमारे जो है ये बॉल जा कर के इसमें फट जाएंगे रसगुल्ले जो हैं, तो अच्छी नहीं बनेगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी या फिर पूरा फट जाएगी। तो हम एक एक करके डालेंगे, थोड़ा वेट करेंगे और फिर हम एक डालेंगे। तो इस तरह से हम आस्ते आस्ते करके एक एक करके डालते जाएंगे, और जब मैं मतलब ये चाशनी में उबाल मतलब रुकना नहीं चाहिए, उबाल आते रहना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा ट्रिक्स मतलब इसका है, एक एक करके डालेंगे। और जब भी हम इसका बनाएंगे रसगुल्ला, तो गाय का दूध से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है, भैंस का दूध से अगर बनाएंगे तो उतना मतलब अच्छा नहीं बनता है, सॉफ्ट नहीं होता है। तो गाय के दूध से ही कोशिश कीजिए कि बनाने का। तो इस तरह से हम अब हमने बीच में ये चाशनी जो है गाढ़ी होने लगती है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें गर्म पानी डालेंगे, क्योंकि पानी अगर ठंडा डाल देंगे तो फिर से टेम्परेचर इसका डाउन हो जाएगा। तो उसका टेम्परेचर को डाउन नहीं करना है बिल्कुल भी, और हाई फ्लेम पर इसे पहले खुला में मतलब बिना ढके हुए 4 से 5 मिनट पकाएंगे, फिर हम ढक करके, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा इसका हो गया है रसगुल्ला जो है, और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है और बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए हैं, बहुत ही अच्छी बने हैं। तो इस तरह से पहले हम खुला में 4 मिनट के करीब पकाएंगे, उसके बाद में ढक करके इसको हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट, और इस तरह से इसको हल्के हल्के हाथों से सब चलाते रहेंगे, और बीच बीच में पानी और डालेंगे गरम। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा ठंडा पानी डाली तो ये नीचे टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, तो मैं धीरे धीरे करके डाल रही हूँ, या फिर आप गर्म पानी डालें तो ये थोड़ा थोड़ा करके डालिए, ताकि ये जो है उबलते ही रहे चाशनी जो है, चाशनी को उबलना इसका रुकना नहीं चाहिए। तो ये देखिए मैं दबा के देख रही हूँ कितना सॉफ्ट है, देखिए ये। तो इस चाशनी में रसगुल्ले को उबलते हुए 12 से 14 मिनट हो गए हैं, तो हमारा ये रसगुल्ला अब तैयार हो गया है। तो उतारने के पहले ना अभी इसमें हम ठंडा पानी थोड़ा सा डाल देंगे, तो जिसके वजह से ये रसगुल्ला जो है छोटा नहीं पड़े। तो चाशनी में हम थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको उतार लेंगे, और एक बाउल में मैं निकाल ले रही हूँ, और इसमें हम ये चाशनी भी डाल देंगे और 4 से 5 घंटे रख देंगे। तो ये 4 से 5 घंटा हो गया है रखे हुए, और ये देखिए बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ा है हमारा रसगुल्ला, अभी भी उतना ही बड़ा है और सॉफ्ट है, और ये देखिए कितने स्पंजी है, बहुत ही बढ़िया बना है। तो दोस्तों आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसका जो है पहला टिप्स यही है कि आप इसके गाय के दूध से बनाएं, और जब इसमें रसगुल्ला डालें आप चाशनी में तो उबलते हुए रहना चाहिए, कभी भी उसका जो है टेम्परेचर डाउन नहीं होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बनेगी रसगुल्ला आपकी, इस तरह से सॉफ्ट बनेगी। फ्रेंड्स ये सब टिप एंड ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे तो आपकी रसगुल्ला भी इस तरह से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ में नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।